यहाँ पे देखो ओपनिंग का पार्ट, ओपनिंग में कैसे यूज करेंगे हम इसको अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे मैंने एक रूम बनाया, ठीक है। रूम का साइज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमें इसका लेंथ चाहिए 12 फीट या 13 फीट, और इसका चाहिए यहाँ पे विड्थ 10 फीट। क्लियर। इसमें डोर की रिक्वायरमेंट तो आप डोर दे सकते हो, यहाँ पे विंडोज देना है यहाँ पे, तो विंडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोड फैमिली विंडोज, कौन सा डिजाइन का विंडो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेवल टू पे गए यहाँ पे हम, रूफ बाई फुटप्रिंट एडिट टाइप डुप्लीकेट रूफ 6 इंच एडिट थिकनेस 6 इंच। क्लियर। ओके ओके। ओवर हैंग कितना चाहिए आपको, 1 फीट 6 इंच। आप ऐसे भी कर सकते हो पिक करके भी, या फिर आप इस पर टैब दबा के भी पूरा एक साथ भी ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ कर्सर रखेंगे, बाई प्रेस टैब क्लिक ऑल, ठीक है। इस पर पिक करेंगे, यहाँ पे डिफाइन स्लॉप ऑफ, इस पर पिक करके यहाँ पे डिफाइन स्लॉप ऑफ, दोनों साइड स्लॉप होने चाहिए। क्लियर। फिनिश यस। इसमें यहाँ पे यूएन प्रेस करेंगे तो यूनिट्स आएगा, यहाँ पे स्लॉप में आप डेसिमल डिग्री कर दीजिएगा, ठीक है। कितने डिग्री पे चाहिए थे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 45 डिग्री स्लॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3D में देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का मॉडल नजर आएगा। यहाँ पे हर्ट का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी आप कर्सर लेके जाएंगे तो इसमें ये एंगल का स्लॉप है। यहाँ पे इसमें एंगल लिख के आता है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एंगल क्या लिख रहा है इसमें, 45। क्लियर। यहाँ पे मैंने बताया था आपको बाई फेस, बाई फेस आपको जिस फेस पे ओपनिंग चाहिए उस फेस को पिक कर लीजिएगा। यहाँ पे पिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल सारा सर्कल में चाहिए, पॉलीगन में चाहिए, जिस प्रोफाइल में आपको ओपन करना है उस प्रोफाइल में आप यहाँ बना सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो जैसे प्रोफाइल आपको चाहिए वैसे प्रोफाइल आप इसको अप डाउन एरो से यहाँ पे आप डाउन भी कर सकते हो, नीचे चाहिए ऊपर चाहिए लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए। ये बाई फेस ओपनिंग है, क्लियर। जैसे फेस है वैसे वैसे ही इसमें कट भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आता है वर्टिकल ओपनिंग। वर्टिकल भी आपको फेस को पिक करना पड़ेगा। वर्टिकल में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो कहीं और बन जाएगा, स्नैप कहीं और कर लेता। देखो कहाँ का स्नैप हो गया, उस साइड पे स्नैप हो गया। ये देख रहा है आपको, मैंने एडजस्ट करके इधर ले आया मूव करके, ये ऐसा हो गया यहाँ पे। तो आप इसको अटैच भी कर सकते हो, कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अटैच टॉप बेस कर सकते हो। हो गया नहीं हो गया अटैच। तो देखो इसमें इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू शेप और ये 90 डिग्री पे है। तो ये ओपनिंग डिपेंड करता है कौन से ओपनिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, वो वाला ओपनिंग आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, जो भी जरूरत है आपको। यहाँ पे आ रहा वॉल ओपनिंग, वॉल ओपनिंग आपको पता है, यहाँ पे वॉल को पिक करेंगे आप, जिस वॉल पे ओपनिंग करना है उसी वॉल पे ओपनिंग भी होगा। क्लियर। इसके डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, आप पिक करके यहाँ पे कितना इधर बढ़ाना है कितना इधर ऊपर साइड, यहाँ पे डायमेंशन भी आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आता है ड्रॉमर। ड्रॉमर कैसे यूज होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे रूफ बाई एक्सट्रूशन पिक अ प्लेन, आप इसको पिक कर लीजिएगा। यहाँ पे गो टू एलिवेशन साउथ व्यू, यहाँ से आपने एक लाइन दिया, इसको मिरर कर। ध्यान रखना आपको ये ड्रॉमर तब तक यूज नहीं होगा आपका, ये एक्सट्रूशन बाय ज्वाइंट तब तक नहीं होगा। इस जो लाइन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। जो दिख रहा है यहाँ पे ये लेवल जो है, लेवल से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, और जो ऊपर के एज आ रहा है इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जाएंगे आप इसको इधर मूव कर दीजिएगा, एरो पकड़ के आप इसको इस साइड ले आओ थोड़ा सा।
इसको पिक करेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे लिख के आता है ज्वाइन यूनियन रूफ, पिक एज और पिक फेस। तो पहले एज को पिक कर लिया, फिर फेस को पिक किया हमने। गो टू साइड प्लान, टू डी वाई फ्रेम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक वॉल, यहाँ पे बेस कंस्टेंट, लेवल टू टॉप कंस्टेंट अनकनेक्टेड है हमारा। यहाँ से मैंने एक वॉल दिया यहाँ पे, इस वॉल को हमने मिरर कर दिया यहाँ पे। क्या किया, मिरर, मिरर का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। अगेन हमने वॉल पे क्लिक किया, बेस कंस्टेंट, लेवल टू, और यहाँ से भी हमने एक वॉल बना दिया, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया मैंने बाई प्रेस टैब, क्लिक अटैच टॉप बेस, इसको अटैच कर दिया मैंने, फिर अटैच बेस, इसको मैंने बेस को भी अटैच कर दिया। दिख रहा है आपको, दोनों साइड अटैच हो गए, नीचे से भी हो गया, ऊपर से भी हो गया। जब आप इतनी प्रोफाइल कंप्लीट बना देंगे आप, तब यूज करेंगे आप ड्रॉमर का। इससे पहले ड्रॉमर का कोई यूज नहीं है इसमें। आप यहां पे जाएंगे 2D वायर फ्रेम पे, ड्रॉमर क्लिक, पिक रूफ, उसके बाद करना आपको पिक रूफ वॉल एज। हमने पिक रूफ वॉल एज को पिक किया यहां पे, देन हमने इसको यहां से ट्रिम कर दिया, फिनिश। अगर आप देखें यहां पे रियलिस्टिक व्यू में तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है, देखो इसे विंडो लगाते हैं यहां पे। लग गया नहीं, देखो क्लियर हो गया, नहीं होगा, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? सब सब कैसे?